हेलो फ्रेंड्स, अभी ये आइसक्रीम बनाई है जो मैंने, तो मैं आपके लिए भी लेके आई हूँ क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, कुछ ठंडा खाने का इच्छा होती है और बच्चे भी घर पे हैं। तो ये होममेड आइसक्रीम है, ये मैंने विप क्रीम ली है जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है और सस्ती भी होती है और बहुत बिल्कुल मार्केट जैसी ही बनेगी, बल्कि उससे अच्छी बनेगी। तो ये मैंने नीचे पर ये ज़रूर ध्यान रखें जब विप क्रीम को हम, तो नीचे आइस क्रीम रख लें और ठंडा बिल्कुल चिल्ड वाटर लें ताकि हमारी विप क्रीम अच्छे से हो जाए, नहीं तो बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला है जो 300 ml है और 400 ml मेरी विप क्रीम है। तो इस तरीके से काफ़ी थिक हो जाए, ऐसे चोटी जैसी बन जाए, तब उसको छोड़ें। अब मैं बहुत चार तरह की आइसक्रीम बना रही हूँ तो मैंने डिवाइड कर दिया चार जगह, तो एक ही बार मैंने पूरा मटेरियल तैयार किया है। अब ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना रही हूँ तो मैंने, आपके पास टूटी फ्रूटी हो तो टूटी फ्रूटी डाल लें, स्ट्रॉबेरी हो तो आप चॉप करके स्ट्रॉबेरी डाल लें। ये मैंने स्ट्रॉबेरी सीरप डाला है, तो बस फ्लेवर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सीरप था उसी में खुशबू थी। करीब 50 से 60 सेकेंड तक चलाएं उसको, अच्छे से मिक्स करें और एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। इस तरीके से सेट कर दें उसको और आप अपने स्ट्रॉबेरी को थोड़ा चॉप करके उसे भी डाल दें। इस तरीके से डेकोरेट कर दें, देखने में अच्छी लगी और पेपर से अच्छे से बंद कर दें, ढक दें, ढक्कन भी अच्छे से लगाएं ताकि उसमें क्रिस्टल ना पड़े, जो बर्फ़ जम जाती है ना आइसक्रीम के ऊपर वो ना जमे, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब सेकेंड आइसक्रीम है चॉकलेट, जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आइस क्यूब डाल के ही रखना है क्योंकि किचन में बहुत गर्मी होती है तो ये सेट नहीं होगी, मेल्ट हो जाएगी और आइसक्रीम नहीं बनेगी। इसमें स्प्रिंकल डाल दिए चॉकलेट के, और वेनिला एसेंस हो या चॉकलेट एसेंस हो वो डाल दें और 5 से 6 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें, अच्छे से सेट हो जाएगी, आपको दोबारा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से एल्युमिनियम फाइल हो या फिर पेपर रैप से आप कर दें, उसके ऊपर से ढक्कन लगा दें ताकि दोबारा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही क्रिस्टल पड़ेंगे आपको। इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है एसेंस, मैंगो एसेंस, ये मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं। अब ये जो जूस हम मैंगो जूस बनाते हैं घर पे, वही वाला जूस हमने यूज किया है, या आम रस बोलते हैं जिसको खाने के लिए बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा आधा कटोरी या 1 कप आप डाल दें। तो ये 100 ग्राम के करीब, मैंने 100-100 ग्राम के करीब हमारी आइसक्रीम चारों जगह डिवाइड कर ली थी मैंने, उसी हिसाब से थोड़ा कम डालें नहीं तो पतली हो जाएगी, आइसक्रीम सेट नहीं होगी, इसलिए आधा कप ही डालें जूस, मैंगो जूस, और करीब 1 मिनट के करीब आप थोड़ा सा मिक्स कर लें इसको। कंडेंस मिल्क हमारा पहले से ही पड़ा हुआ है, सभी में एक साथ मिला लिया था हमने, तो बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनेगी और जल्दी भी बन गई। आप देख रहे हैं ना, एक साथ मैंने पूरा तैयार किया और 4 फ्लेवर में मैंने बना दी है, आप चाहे जितने चाहे फ्लेवर बना सकते हैं, अब बिल्कुल जमेगी नहीं और जल्दी भी बन गई। अमूल की भी विप क्रीम आती है और बिग बास्केट, डी मार्ट, मार्केट में भी, ऑनलाइन भी मिल जाती है आपको, किसी भी तरीके से आप खरीद के आप बना सकते हैं अगर आप शौकीन हैं खाने की। ये मैंगो मैंने चॉप करके डाल दिए, देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम क्रीमी। अब ये मैं बना रही हूँ बटर स्कॉच आइसक्रीम, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें बटर या पानी नहीं लगाना, सिर्फ चीनी डाल देनी है आधी कटोरी, तो बहुत अच्छा बटर स्कॉच बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट पफी, और आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, कोल्ड कॉफ़ी में भी डाल सकते हो, कई जगह आप बना के रख लें यूज कर में आएगा। अब बस गैस ऑफ़ कर दें, इतने होने पर ही गैस तुरंत ऑफ़ कर दें नहीं तो ये जल जाएगा। और अब बंद करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच सोडा
बेकिंग सोडा जो हमारे पास होता है, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, वो डाल देंगे। और एक चम्मच हम बटर डाल, देखिए कितना फूला फूल गया ना, पफ जैसा हल्का हो गया, एकदम लाइट वेट। अब ये गैस बंद है फिर भी देखो जल जलने जैसा हो रहा। अब ये ट्रांसफ़र कर लिया दूसरी प्लेट में, जो बिना घी लगी हुई प्लेट थी, ग्रीस नहीं किया मैंने। इस तरीके से उसको निकाल लें, बहुत टेस्टी बना है खाने में। इसको तोड़ लें, एक हमने पॉलीथीन ले ली, साफ सुथरी ले लें और उसको इस तरीके से तोड़ लें, मिक्स करके महीन महीन टुकड़े कर लें। और एक बाउल में या एक कंटेनर हम भर के रख लें फ्रिज में। और ये मेरा तो पूरा पड़ गया था इसमें। अब इसमें थोड़ा सा बटर स्कॉच फ्लेवर एसेंस डाल दिया मैंने, और ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ, चलाते जाएँ। इससे क्या होगा, इसमें कलर भी आ जाएगा और टेस्ट भी आ जाएगा। और जो जब हम खाते हैं ना आइसक्रीम, तो मुंह में मेल्ट होता है, बहुत अच्छे बाइट्स आते हैं इसके बटर स्कॉच के में। तो वही कैरेमलाइज की हुई चीनी है ये, तो बहुत अच्छा बना है सोडे और उसकी वजह से। अब बचा हुआ हम इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। तो बन गई आपकी चार तरह की आइसक्रीम, होममेड, बहुत ही अच्छी है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसी लगी, मुझे और हमारे घर में तो बहुत पसंद आई है। और आप भी एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, मार्केट जाना भूल ही जाएंगे। तो लीजिए, तैयार है बिल्कुल घर में होममेड आइसक्रीम, बिल्कुल मार्केट जैसी। थैंक यू देखने के लिए, बाय बाय। गर्मियों में स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और अच्छा खाइए और अच्छा बनाइए। बाय।